मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ये हमारा पुराना कुर्ता है और इसकी हमने जो ये छाती पर से ये टाइट है, यहाँ पर चेस्ट के ऊपर से ये टाइट है, तो इसको हमने खोलना है और जो बाजू है और बाजू में हमें यहाँ पर जो लगाकर इसके बराबर हमें खोल कपड़ा करना है। तो किस तरह से हम अपने जो ये सूट है ये टाइट है यहाँ से, और किस तरह हम कपड़ा लगा कर बाजू में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा पूरा है और इसमें हमारा कपड़ा कम है और इसको हमें इसके लेवल में लाना है, तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, तो मैं उल्टा करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो बाजू में कपड़ा है इसकी सिलाई यहाँ तक है, और जो इसकी सिलाई जो फिटिंग है वो हमें इस कुर्ते में यहाँ तक दी हुई है, और हमें जो फिटिंग है वो यहाँ तक करनी है, पूरी खोलनी है इसको। और यदि हम इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ये कपड़ा हमारा बहुत कम होगा, तो यहाँ पर हमें बाजू में हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इतना चौड़ाई में कपड़ा जोड़ना होगा। ये कपड़ा है और इसमें से हम अपनी जो ये बाजू में कम कपड़ा है इसका जोड़ लगाएंगे। तो वो हमें किस तरह से लगाना है, तो सबसे पहले हमें जो ये सिलाई है इसकी भी साइड की और इस बाजू की भी साइड की सिलाई हम दोनों खोल देंगे, और उसके बाद जो हमें जोड़ लगाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपनी जो इसकी सारी सिलाई है ये खोल ली है, ये देखिए, ये हमने इंटरलॉक तक इसकी सारी सिलाई को हमने खोल दिया है अंदर की तरफ से, ये देखिए। और इसी तरह हमने बाजू की भी इधर की साइड सिलाई को दोनों तरफ की खोल दिया है, ये दोनों तरफ की हमने सिलाइयों को खोल दिया है। अब हमें बाजू का जो कपड़ा है कम है और हमें इसके बराबर इस कपड़े को करना है, तो ये कपड़ा हमने लिया हुआ है और इसको हम इस तरीके से करेंगे, और इसकी हम फोर लेयर करेंगे इस तरह से करके, ये हमारे दोनों बाजू के दो दो पीस हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इसको अपनी बाजू के जहाँ तक हमने चाहिए, तो जोड़ हमें यहाँ से लगाना है, कम से कम यहाँ से हमारा जोड़ शुरू होगा इस जगह से, और इस तरह से हम रखेंगे। आधा आधा इंच हम सिलाई का कपड़ा रखेंगे और यहाँ तक हमें कपड़े की ज़रूरत है, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे, और इस कपड़े तक हमें इसको चाहिए, तो हम इसकी शेप दे देंगे बाजू के हिसाब से। तो ये आधा आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा और इस तरह से हम निशान लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर देंगे, और इस साइड जो हमारे जॉइंट हैं उसको हम खोल देंगे। इस तरीके से, और ये हमारे इस तरह से जुड़ेंगे। तो ये हमारे चार जोड़ हैं, एक दो तीन चार, जो छोटी साइड है वो हमारी इस साइड जुड़ेगी और जो ये चौड़ी साइड है वो हमें इस साइड जोड़नी है। तो दो हमारी इस बाजू में लगेंगे, एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड, और दो हमारे दूसरी बाजू में, एक इस साइड लगेगा और एक इस साइड। तो जोड़ हमें किस तरह लगाना है मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह फ्रंट जो हमारा ये सिलाई है मुढ़े की, इससे हम लेंगे और इस तरह से हम उल्टी साइड हमें सिलाई आनी चाहिए, इस तरह से रखेंगे और हम सिलाई लगा देंगे। और ये डबल डबल सिलाई है लगाने हैं इनके ऊपर इस तरह से, हम अपने चारों पीस में सिलाई लगा देंगे। तो बाजू में ये देखिए, बाजू में एक साइड हमने ये लगा दिया है जोड़, और अब हम इस साइड लगाएंगे। इस तरह रखेंगे सीधी साइड, और उल्टी साइड फिर हमारी सिलाई आ जाएगी, तो बिल्कुल हमें यहाँ तक लाना है। तो इस तरह से हम एक बाजू में हमने दोनों तरफ अपने जोड़ लगा दिया है, तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा जोड़ लग गया है। और अब जो इसकी सिलाई है वो हम यहाँ से लेंगे इस तरह से करते हुए, इसी तरह फ्रेंड्स हम अपनी दूसरी बाजू पर भी दोनों जो ये पट्टियाँ हैं हम लगा लेंगे।
तो इस तरह से दोनों तरफ हम अपनी इस बाजू पे भी दोनों तरफ जोड़ लगा देंगे। और जो फ्रंट जो हमें इसमें फिटिंग देनी है वो हमें बिल्कुल यहाँ किनारे पर देनी है, और ये फिटिंग है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। और नीचे हिप पर हमारा बिल्कुल ठीक है ये, तो ये हमें नीचे जो हिप की सिलाई है यहाँ पर ये इसी के साथ हमें इसको मिलाना है, और इसी के साथ हम दूसरी सिलाई लगा देंगे इसी के पास, इसको क्या करेंगे और इसी के साथ साथ हम दूसरी सिलाई लगा देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो ये हमारी बाजू है इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ तक है, तो इसी के फिटिंग को लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है और इसको फिर हम ढक देंगे। और अब जो ये हमारा बीच का सिलाई है खुली हुई, ये दोनों बाजू की, ये हमारी बाजू की का कपड़ा है जिसमें हमने जोड़ लगाया है, और ये हमारा साइड का छाती पर जो हमारी फिटिंग आती है उसका, तो इन दोनों को हम इस तरह मिलाकर ये हमारी बाजू की बीच की जो सिलाई होती है ये वो है जो मुद्दे तक जाती है, तो इसको भी अब हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है। ये दोनों हमारे अब जो कपड़ा था पूरा, सिलाइयाँ थी दोनों की, ये बिल्कुल मिल गई है, और हमारा जो कुर्ता है ये ढीला हो गया है पहले टाइप का, और ये बीच में हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है, और ये खुलकर हमारा देखिए ये इस तरह से ये बीच में जोड़ा है बाजू में हमारी, और ये हमारी इसके अकॉर्डिंग हमारी इसकी फिटिंग हो चुकी है। तो पहले हमारी जो सिलाई थी वो यहाँ थी और अब ये यहाँ पर आ गई है, तो ये हमारा इतना कपड़ा खुल गया है। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो ये दूसरी साइड भी फ्रेंड्स हमने अपनी सिलाई को इसी तरीके से लगा लिया है, ये देखिए। आगे हमारी बाजू ठीक है, और ये हमने आगे उसी की फिटिंग के हिसाब से रखा हुआ है, और अब ये हम जो बीच में हमारी सिलाई है इसको लगा देंगे बराबर करते हुए कपड़ा। और जो ये मुड्ढे की सिलाई है इसको हम आर्म होल की उसको हम उसके साथ जोड़ देंगे। और अब हम आपको सीधा करके दिखाते हैं तो किस तरह से हमने इसको ढीला किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने यहाँ से ढीला किया, और पहले हमारी सिलाई यहाँ थी और बाजू में हमारे कपड़ा कम था, तो बाजू में हमने जो है ये जोड़ लगा लिया है, दोनों साइड हमें जोड़ लगाना पड़ा है, और ये हमारे बीच की सिलाई है जो हमें इसके साथ मिलानी थी, तो इसलिए हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ा क्योंकि बाजू में हमारा कपड़ा नहीं था और इसमें हमारा कपड़ा पूरा था। तो ये देखिए इतनी हमने इसको खोलकर अब हमारी जो फिटिंग है ये पूरी हो गई है। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से ये देखिए जोड़ लगा हुआ है हमारा, और इसमें हमारे फिटिंग का कपड़ा पूरा था तो इसमें हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये खुलकर हमारा पूरी फिटिंग का हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी पुराना सूट जो हमारा टाइट हो और उसमें कपड़ा कम हो, यदि हमारा यहाँ पर कम कपड़ा कम होता है तो हम इधर जोड़ लगाएंगे, यदि दोनों में कपड़ा थोड़ा कम हो तो हम दोनों में जोड़ लगा लेंगे, और इस तरह से हम अपनी फिटिंग को खोलकर अपनी जो फिटिंग देनी होती है वो फिटिंग हम पूरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।